ये देखिए दोस्तों, घनश्याम चाट हाउस पर यहाँ पर पानी बनाया जा रहा है वापस से, इसके लिए देख सकते हैं ये पानी के अंदर बर्फ भी है जैसा कि देख रहे हैं। थोड़ा बहुत बनाते हैं जी। ये नमक डाला भैया मैंने, ये नमक डाला जा रहा है, ये जीरा, ये जीरा डाला है, ये काला नमक, ये काला नमक डाल दिया। बड़े भैया पानी बनाते हैं, छोटे भैया पानी टेस्ट करके बताते हैं। फेमस है साहब, इंदौर की जान है, क्लॉथ मार्केट का पानी पता था एकदम, इनके बराबर कोई नहीं बनाता। कब तक आ रहे हैं आप? साहब हम तो जब भी इधर आते खाके ही आते हैं। अच्छा अच्छा, खाके ही जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंकल जी भी हमारे साथ में। पताशे का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आ चुके हैं घनश्याम चाट हाउस पर। तो भैया सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। भैया ये बताइए, इस पताशी को इतना लोग क्यों पसंद करते हैं, इसकी क्या विशेषता है? जैसा कि मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ पिछले 15 मिनट से, आपका हाथ कंटिन्यू चले जा रहा है और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आप एक बार, बहुत ही ज्यादा डिमांड है इंदौर में। ये ऐसी क्या स्पेशलिटी क्या है बताइए थोड़ा सा हमें। ये ग्राहकों का प्रेम है मालिक हमारे यहाँ तो। जी जी, इसीलिए अभी तक टिके हुए हैं। ये पानी किस चीज का बनाते हैं आप यहाँ? ये अमचूर का मालिक। अमचूर का बनाया जाता है, और क्या क्या होता है इसके अंदर? अमचूर रहती है, हरी चटनी रहती है। अमचूर रहता, हरी चटनी रहती है, जीरा नमक, काला नमक। अच्छा अच्छा, दोस्तों सिंपल था है, बाकी पूरा ओरिजिनल है जी। ये देख सकते हैं आलू भी दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा रहता है, इसके अंदर जो आप आलू देख रहे हैं यहाँ पर हरी चटनी डालकर देते हैं। उस हरी चटनी के अंदर क्या चीज होती है? कोथमीर मिर्ची और पुदीना। कोथमीर मिर्ची और पुदीना दोस्तों, बस सिंपल से तीन चीजें होती है, इससे एक अच्छा ही टेस्ट आ जाता है। और ये मीठा पानी देख रहे हैं दोस्तों, ये मीठी एक चटनी बोल सकते हैं एक तरीके से। ये इस चटनी को कहीं से बनाते हैं? ये गुड़ की है मालिक, ये भी अमचूर से बनती है, गुड़ और अमचूर की बनाई जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा दूर से बताता हूँ आपको एक बार, यहाँ पर भीड़ देखिए आप साथ ही में। भीड़ देखिए दोस्तों, कितनी ही ज्यादा यहाँ पर भीड़ हो रही है, ये देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर, डिमांड है यहाँ पर पताशी की। पताशी का साइज बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है यहाँ पर। क्या रेट होता है भैया इसका? 15 रुपए प्लेट है भैया पानी की, 5 पीस आते हैं इसमें, 5 पीस आते हैं। और दही पूरी भी जो हमने सुना आपके वहाँ की बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, दही की 20 रुपए प्लेट। अच्छा अच्छा, 5 पीस आते हैं। ये देखिए दोस्तों, पताशी आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, साथ ही में यहाँ पर दही पूरी की प्लेट बनाई जा रही है, उसके लिए भी दोस्तों दही की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया है। दही भी जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों घनश्याम चाट हाउस पर यहाँ पर पानी बनाया जा रहा है वापस से, इसके लिए देख सकते हैं ये पानी के अंदर बर्फ भी है जैसा कि देख रहे हैं, बनाते हैं। ये देख सकते हो भैया दही पूरी बना रहे हैं, इधर भैया यहाँ पर पानी की तैयारी कर रहे हैं, एकदम चिल्ड वाटर इसके अंदर फिल किया, रिफिल किया जा रहा है बोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नमक डाला भैया मैंने, ये नमक डाला जा रहा है देख सकते हैं। ये जीरा, ये जीरा डाला है, ये काला नमक, ये काला नमक डाल दिया। देखिए दोस्तों, हाथों के अंदाज से यहाँ पर बनाया जा रहा है, मतलब कितना साल, मतलब जैसा कि भैया ने हमें बताया था 50 साल का एक्सपीरियंस है। ये अमचूर है भैया, ये प्योर अमचूर है। ये भी अमचूर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये वही चटनी है जो आपने बताई थी हमें जी भैया। ये हमारा पानी बनकर पूरा रेडी हो चुका है, ये देखिए दोस्तों भैया यहाँ पर पानी टेस्ट करके बताएंगे। बड़े भैया पानी बनाते हैं, छोटे भैया पानी टेस्ट करके बताते हैं।
एक मिनट बाबू जी, कैसा लगा? हरी चटनी बढ़ाई जा रही है भैया ने बोला है तो ये देख सकते। और बोल, और ये काला नमक बोल रहा है, ये पूरा हमारा पानी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। भैया ने छड़ी घुमा दी है इसके अंदर। ओके ये देखिए दोस्तों, पताशी आ चुकी है मेरी, बहुत ही बड़ी साइज है। एक बार आप देखिए कितना, मतलब पूरा हाथ मेरा फिट हो रहा है। अब मैं आपको लेकर बताता हूँ। एक नंबर अल्टीमेट, बहुत ही बढ़िया। ये तो फेमस है साहब, इंदौर के जान है, क्लास मार्केट का पानी पसा था एकदम, इनके बराबर कोई नहीं बना था। कब तक आ रहे हैं आप? साहब हम तो जब भी इधर आते हैं खाके आते हैं। अच्छा अच्छा, आते ही जाते। ये देखिए दोस्तों, अंकल जी भी हमारे साथ में। पताशी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया, बहुत साइज बहुत बढ़िया। और हर एक चीज का दोस्तों यहाँ पर एक फ्लेवर आ रहा है, मतलब हिंग का भी ये बहुत ही ज्यादा एक फ्लेवर आ रहा है। हिंग डली हुई है, ये देख सकते हैं। पूरे इंदौर में घनश्याम पताशा फेमस है दोस्तों, अनलिमिटेड अल्टीमेट। मेरे मुंह से वर्ड्स गलत निकल रहे हैं, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस जैसा कि अंकल जी भी बोल रहे हैं। आप लोग जरूर आए इंदौर क्लॉथ मार्केट, कुछ खाएं या ना खाएं, इंदौर की ये पताशी जरूर ट्राई करें। मतलब मैं तो लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ पे आता हूँ, जब भी आता हूँ मतलब देख सकते हो 20-25 वर्षों से तो अंकल जी ही आ रहे हैं। मतलब पताशी का साइज बढ़ ही जा रहा है, बाहर जैसे जैसे अलग अलग साइज आ रही है, देख सकते हैं। भैया को भी स्माइल आ गई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये साइज देखिए आप कितना बड़ा, मतलब मेरी चारों उंगली यहाँ पर कवर हो चुकी है, इतनी बड़ी एक पताशी है। और ये सागर भैया के पापा से भी खाया हमने। मजा आ चुका है बस भैया मजा आ जाएगा दोस्तों। आप साइज एक बार चेक करिए, कितना ही ज्यादा बड़ा है, लीकेज हो चुका है। बहुत टेस्टी है लिटरली दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आप यहाँ पर जरूर आए, फिर ट्राई करें, आपको मजा आने वाला है। अब ये एक चीज यहाँ की स्पेशल आपकी दही पूरी है, मैं बनाता हूं वो बनाकर बता रहे भैया, तो ट्राई करते बस, यहाँ मेरा तो हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दही पूरी की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए पताशी को, मतलब पताशी को उसके अंदर आलू फील किया जा रहा है। देख सकते हो भैया की स्पीड, देखिए दोस्तों कमेंट करके बताएं एक मिनट में भैया ने कितनी पताशी फील करके यहाँ पर रखी है। ये देख सकते कंटिन्यू भैया यहाँ पर पताशी होना। भैया ये पताशी का इतना अलग साइज होने का एक रीजन क्या है? मतलब शुरू से हमारे दादाजी के टाइम से ही चल रहा भैया। अच्छा, तो आप मतलब तीसरी पीढ़ी है? हाँ जी, ये यहाँ पर दही पूरी की प्लेट लगाई जा रही है, दोनों तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, आप भैया का ब्रदर है? अच्छा, छोटे भैया है आपके, ये देख सकते। स्पीड देखिए दोस्तों एक बार आप भैया की, मतलब ऐसे ही 50 साल नहीं हुए, आप एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। 3 प्लेट भैया एक साथ बनाएंगे। ये क्या चीज डाल रहे हैं भैया? मिर्ची नमक। मिर्ची नमक, ये क्या चीज है? ये मीठी चटनी। ये मीठी चटनी डाल दी है। और ये दही की कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों एक बार, कितना मतलब गाढ़ा दही बोल सकते हैं। ये वापस से जीरा डाला, जीरा। और ये हरी चटनी, तीखेपन के लिए हरी चटनी जी। ये देखिए दोस्तों हमारी पूरी प्लेट यहाँ पर रेडी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब इसे भी टेस्ट करके बताते हैं आपको ये खाने में कैसी है। दोस्तों हमने यहाँ पर पताशी ट्राई करी, मजा आ गया। इतना बड़ा साइज एक पताशी का, मतलब आप देख सकते हैं इतना बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा एक साइज एक पताशी का। पानी वाली हमने खाई, जिसके अंदर हिंग का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया था। अब सेकेंड चीज हमने बनवाई हमारे लिए यहाँ पे दही पूरी, इसका साइज भी वही है। इसे खा के देखते, भैया ने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है।
मिर्ची है, नमक है दोस्तों, दही की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, अमचूर वाली इसके अंदर चटनी डाली गई है, साथ ही में दोस्तों ऊपर से यहाँ पर हरी चटनी डाल के दी है। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको खाने में कैसी है। सबसे बेस्ट दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, मतलब मजा आ गया यहाँ की पताशे खाकर। पानी वाली भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया थी, साथ ही में दही वाली भी दोस्तों बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।